वो प्रदूषण संरक्षण के खिलाफ वो पेश कर दिया है, संतुष्ट नजर नहीं आ रही है महिला पहलवान है साक्षी मलिक की बात। बच्चियों के साथ जो किया गया है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं ऐसा हुआ होगा। इतने दिन जो वो धरने पर बैठी हैं और जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ बर्ताव किया, केवल न्याय उन्होंने मांगा। अगर पहले दिन ये सरकार निष्पक्ष जांच का आदेश दे देते, आज भी पूरे देश में दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है कि सरकार अपने सांसद को मुद्दे को मैसेज ये, बच्चियों को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। देखिए चुनाव तो आएंगे, चुनाव आते रहे हैं, अगला चुनाव भी आएगा, सबको तैयारी करनी चाहिए, पार्टियों को सबको मिलकर मिला कर चलना चाहिए, सभी वर्गों को समान अधिकार का सम्मान सब कुछ लेकर चलना चाहिए। मैम, भारतीय जनता पार्टी भी अब एक्शन मोड में है, वो नजर आ रही है। बैक टू बैक केंद्रीय मंत्रियों की रैलियाँ है, वो हरियाणा में है, वो रखी गई है। कल सिरसा में अमित शाह जी आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी का दौरा है, वो सोनीपत में प्रस्तावित है, वो हो चुका है। किस तरह से देख रहे हो, क्या कंप्लीट वो कर पाएंगे? टू लिटिल टू लेट। इन्होंने 10 साल जो हरियाणा को कुशासन दिया है, 9 साल कुशासन दिया है, आज कोई भी वर्ग हरियाणा में इनसे कुछ नहीं। चाहे आप गरीब से गरीब को ले लो, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित किया गया, लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग थे उन तक उनके अधिकार नहीं पहुंचे हैं। आज किसान रोज सड़क पर आता है, छोटी छोटी बात को लेकर किसान को जब सड़क में आना पड़ता है उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। आपने शाहबाद में देखा, हर जगह देखा, यहाँ पर कितने दिन किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, उनको कहा कुछ और आज तक कुछ नहीं किया, वादा खिलाफ दुखी है। हमारा कर्मचारी दुखी है, हमारी गृहिणी से आप पूछें, महंगाई आसमान को छू रही है, हमारा युवक बेरोजगार घूम रहा है। और महंगाई का तो ये आलम है कि कोई भी वर्ग, चाहे सैलरी क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल हो, गरीब, हर एक महंगाई से आज के दिन दुखी है, तंग है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, कर्मचारी सड़कों पर आ जाते हैं। इस सरकार ने प्रशासन केवल नाम का दिया है, केवल चंडीगढ़ में बैठकर मीटिंगों का प्रशासन दिया है, लेकिन लोगों के बीच में जाकर इनकी हिम्मत नहीं है कि लोगों के बीच में जाएं। क्या कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी जहां भी जाते हैं उनको लोगों का के रोष का सामना करना पड़ता है, और वो भी महिलाओं के साथ या दूसरे लोगों के साथ जिस तरह से उनका बर्ताव होता है, क्या ये नेताओं का बर्ताव ऐसा होना चाहिए? वो नहीं खत्म हो रही है, इसलिए कांग्रेस सरकार में नहीं आ रही है। बीजेपी से आंदोलन करवाने पर बीजेपी बिल्कुल नाम पर संपर्क कुछ है नहीं, उनका ना कुछ था। जिन्हों एक बार जैसे मैंने कहा कुछ हमारी कमियां, कुछ उनका पद लाना, 15 लाख बुलाना, लेकिन उसके बाद आपको इतना 75 बार कहा, कहाँ 75 बार आए, 40 पे रुक गए। तो बीजेपी की आज के दिन कोई बहाने है, अपना कुछ कहने को है, पॉजिटिव उनके पास कोई एजेंडा है नहीं, कुछ करके दिखाया नहीं, तो कांग्रेस को वो उंगलियां उठा रहे हैं, वो अपनी चिंता करें। कही एक चीज कि मतलब पिछड़ा वर्ग सब कांग्रेस से दूर हो गया, उसे लेकर आगे क्या आप सोच रहे हैं, किस तरीके से इस चीज़ को एकजुट करने का विचार है? मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि हमने कुछ अब तक ऐसे बांट दिए सीट, ये इसको ही जाए, वो उसको ही जाए, क्यों भाई? जब नए लोग निकलते हैं उभरते हैं, कांग्रेस ने इसमें पहल करनी चाहिए कि हम जातियों के स्लॉट्स में ना जाकर हम ट्रू रिप्रेजेंटेशन दें। SCPC की बात करें तो ये नहीं कि तुम वहीं नीचे बैठो और हम देखो कितने मेहरबान है तुम्हारे, बात ये नहीं होती, समान अधिकार की बात होती है। क्यों नहीं PC, चलो SC के तो रिजर्व कर लेते हैं, लेकिन BC को क्यों नहीं ज़्यादा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर कंपनी स्टार्ट करिए, क्योंकि अदर जो पार्टियाँ हैं वो स्टार्ट कर चुकी हैं। हमारे नए प्रभारी बने हैं, उससे पहले आपने देखा कि जैसे राहुल जी की पदयात्रा हुई यहाँ से हरियाणा से 9 दिन को लगाकर गए, उसमें सबने मिलकर मेहनत की, सबने यहाँ के हरियाणा के सब कांग्रेस से उससे बड़े उत्साहित हुए, मेहनत में लगे। कांग्रेस जन
जो ज़मीन पर वर्कर काम करता है वो चाहता है, आम नागरिक चाहता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में, आम नागरिक या कांग्रेस वर्कर ये नहीं चाहता कि ऊपर से नेताओं में कुछ प्रॉब्लम हो। हरगिज़ सिंह को आप यहाँ की राजनीति पहले से समझते हो, जब मैं PCC प्रेसिडेंट थी तब भी दरार किसने डाली है, किसने डाली है? आज आप गुटबंदी की भी बात करते हो, गुटबंदी किसने की है? जब मैं आज PCC प्रेसिडेंट भी आई तब कभैया इनको भेजा जाता था, इनको रोका जाता था आने से, अब वो तो आप जानते हो, इससे बेहतर आप जानते हो। तो कांग्रेस कांग्रेस रह गई है, अब ये तो आप ऑब्जर्वर हो, आप देखते हो, आप राजनीति में अनुभव है। मैं समझती हूँ कि हमारे से ज्यादा आप लोगों से जुड़े हुए हो, ये स्टडी तो आप करोगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हो, ये नहीं है आपके सब कुछ है तो कांग्रेस है वरना नहीं। क्या कारण है कि कांग्रेस कमजोर होती गई? 2005 में प्रचंड बहुमत मिला था हरियाणा में कांग्रेस, उसके बाद बता दो आप। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।